Hello and welcome everyone. In this video, we are going to continue with some of the examples based on the cube. तो अब क्यूब के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसको आप देखिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम. आपको इसका वॉल्यूम पता करना है. तो जब हमें उसका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया है, इसका मतलब देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब से उसको इक्वेट करेंगे, विच इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 दिया हुआ है. 6 से 216 को डिवाइड कर देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी. तो a की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 36 आ जाएगी. और हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ 36 6 के बराबर होता है. क्या ये वाला पूरा जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है आपको क्लियर हुआ? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर से, और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इस चीज को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए. जब आप कर लेंगे तो आपको उस ए की वैल्यू मिल गई 6. जो ए की वैल्यू होती है वो साइड होती है. जब आपको साइड मिल गई तो आप वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहाँ पे लिख लेंगे. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना आएगा यहाँ पे, ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए हो जाएगा. तो फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, विच इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. और नहीं, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 3 बार इंटू हो रहा है. स्क्वायर एरिया में होता है, जैसे टोटल सर्फेस एरिया है तो वहां पे जो यूनिट लगेगी वो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगी. और जब क्यूब हो रहा है तो 3 बार सेंटीमीटर इंटू हो रहा है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखा जाता है. तो 216 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा. आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं. पहले इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैंने पिंक कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. आपको यहाँ पे LSA दिया हुआ है. LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 324. लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 4a का स्क्वायर. आपको पता ही होगा कि अगर आप लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4a स्क्वायर आता है. इसको मैं यहाँ पे मैं किस कलर से कर दूँ, ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ. इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट पे बढ़ते हैं. देखिए लैटरल सरफेस एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है. तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4a स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे. इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें. यहां तक अगर आपको समझ आ गया हो तो आगे देखिए. 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 324. 4 को 324 से डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ जाएगा. a स्क्वायर को यहां पे रूट में लेना होगा. तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, विच इज इक्वल टू 9. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब. हमें एक साइड मिल गई तो हम उसको 3 बार इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा. 9 इंटू 9 इंटू 9, 729 सेंटीमीटर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट्स. तो 6 इंटू 9 इंटू 9 कर देंगे तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ये वाला जो पार्ट था ये था आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के लिए. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से, जैसे कि ग्रीन कलर से. और ये था आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी और येलो कलर से. ये तीन पार्ट थे क्वेश्चन के. क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में समझते हैं. सबसे पहले हमने लेटरल सर्फेस एरिया को इक्वेट किया 324 से, वहां से हमें साइड की वैल्यू मिल गई 9. 9 को फिर हमें 3 बार इंटू करना पड़ेगा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है a का क्यूब उससे. और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 6a का स्क्वायर होता है, 6a का स्क्वायर होता है. तो ये आ गया आपका 6 इंटू 9 इंटू 9, विच इज 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. कुछ और एग्जाम्पल्स इस पे देखते हैं जो कि थोड़े हार्ड हार्ड एग्जाम्पल्स हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं. देखो एग्जाम्पल नंबर 9 बोलता है, हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ द कलर्ड पेपर ऑफ द साइड 30 सेंटीमीटर वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वुडन बॉक्स हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. बोल रहा है कितने ऐसे स्क्वायर शीट्स जो कलर्ड पेपर के होंगे जिनका एक साइड 30 सेंटीमीटर होगा, वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वुडन बॉक्स हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज. इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है. तो हम क्या करेंगे, clearly the quantity of the paper required would be equal to the surface, total surface area के बराबर होगी. ये line बहुत important है, इसको यहाँ से highlight कर देते हैं. देखिए जो quantity है paper की, जो जितनी हमें required है, वो बराबर होगी total surface area of the wooden box के.
तो उसके साथ हम क्या करेंगे, जो डाइमेंशंस होंगे उसको ले लेंगे। लेंथ कितना है, 90 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लेंथ, ये जो 3 दिया है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, तो इन तीनों को लिख लेंगे 90, 60 और 30 रिस्पेक्टिवली। कहीं भी रिस्पेक्टिवली लिखा रहता है उसका मतलब होता है पहले वाले के रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ के पहले वाले डिजिट की, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में हो रही है ये दूसरे वाले डिजिट की जो कि है 60 सेंटीमीटर, तीसरे वाले यानी हाइट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है 30 सेंटीमीटर की। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो 90, फिर 60, फिर 30। तो यहाँ पे हमने तीनों डायमेंशंस लिख लिए, हमने तीनों डायमेंशंस लिख लिए। उसके बाद हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले भी बता रखा है, जो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द बॉक्स होगा, बॉक्स का शेप क्यूबॉइड का शेप होता है। एक जो बॉक्स है, मान लो आप कोई भी बॉक्स, जैसे अमेजोन के आप चीजें मंगाते हो तो, या फिर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन चीज वगैरह मंगाते हो, कोई भी, मान लो कोई भी आपने सब्सटेंस मंगाया, कुछ भी मंगाया, तो वो हमेशा एक बॉक्स में आता है। तो वो बॉक्स किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। तो उसके टोटल सर्फेस एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 × L × B + B × H + L × H। अब यहाँ पे आप जो वैल्यूज हैं एल की, बी की और एच की, इन इक्वेशन में ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 19800। एक बार फिर से ये स्टेप समझा देता हूँ। देखिए टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है वो बराबर है 2 × L × B + B × H + L × H के। हमें L, B और H की वैल्यूज गिवन है, हमने यहाँ पे पुट करी और आंसर आ गया। द एरिया ऑफ द शीट ऑफ द पेपर, जो एरिया होगा शीट ऑफ द पेपर वो साइड इंटू साइड ही होगा, तो वो होगा 30 × 30 जो कि आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने बॉक्स का निकाल लिया एरिया जो कि था टोटल सरफेस एरिया, और हमने एरिया ऑफ द शीट ऑफ द पेपर का निकाल लिया 30 × 30 करके। अब हमें दोनों को बस डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड का यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये पार्ट नया है आपके लिए। आपने अब तक ऊपर वाली चीज तो बहुत अच्छे से समझी होगी पहले के भी लेक्चर्स में, लेकिन ये वाली चीज आपके लिए न्यू हो सकती है। नंबर ऑफ द शीट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो टी एस ए होता है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, वो हम निकाल चुके हैं। 19,800 आया है यहाँ पे, तो 19,800 यहाँ पे लिख दिया। एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर यहाँ पे 900 आया है, तो 900 लिख दिया। दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर 22 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, अ स्मॉल, पहले इसको तो हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें करना क्या है, आपको समझ में आए। अ स्मॉल इनडोर ग्रीन हाउस, इसको बोलते हैं हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम का मतलब होता है एक स्मॉल इनडोर ग्रीन हाउस। हर्ब, हर्ब जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मतलब ग्रीनरी के लिए यूज होता है, बेरियम यानी रूम, इसीलिए इसका नाम है इनडोर ग्रीन हाउस। इज मेड इंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, जो बेस है वो भी ग्लास से बना हुआ है, ऊपर भी सब कुछ मतलब वहां पे ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। हेल्ड टूगेदर विद टेप, और उसको टेप से रखा गया है, ठीक है। इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो पूरा है बक्सा ये 35 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। 30 सेंटीमीटर वाइड है यानी इसकी ब्रेथ 30 सेंटीमीटर हो गई, और 25 सेंटीमीटर हाइट है, हाइट हो गई। तो एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाया गया है जिसको हर्बेरियम बोलते हैं, और वो पूरी तरह से ग्लास से बना है, और उसको कुछ टेप से चिपकाया गया है। उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, यानी हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूले में रख के कुछ भी निकाल सकते हैं। जो ऊपर के फॉर्मूले हमने देखे थे उसमें से रख के हम, जैसे ऊपर अगर आपने ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं अगर, तो उसको भी कंप्लीट करिएगा। ऊपर हमने यहाँ पे लेक्चर्स में ये सब कंप्लीट किया हुआ है, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है पूरा क्यूब का, और ये हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं पूरे क्यूबॉइड के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा, और अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। नीचे जाते हैं अभी। यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। हमें पूछ रहा है क्या होगा एरिया पूरे ग्लास का। कभी भी अगर एरिया पूछे पूरे ग्लास का, तो उसका मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × L × B + B × H + L × H। तो पहले वाले में ऐसे करेंगे, पहला जो पार्ट है उसमें सिर्फ हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू 2 × L × B + B × H + L × H। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को रख देंगे और आंसर आ जाएगा। आगे सिंपल यही है, कैलकुलेशंस है, इसमें तो कुछ भी हार्ड नहीं है।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप नीडेड फॉर 12 एजेस. बोल रहा है कि क्या लेंथ हमें 12 एजेस के लिए होगी. ये इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसे लेंथ पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके जो टोटल पैरीमीटर है, पैरीमीटर ऑफ द टॉप प्लस पैरीमीटर ऑफ द बॉटम, ऊपर वाले का पैरीमीटर, नीचे वाले का पैरीमीटर, और चार वर्टिकल एजेस का, चार वर्टिकल एजेस का भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा 2 × L + B. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे अलग से. इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेप नीडेड फॉर 12 एजेस इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ द टॉप प्लस पैरीमीटर ऑफ द बॉटम प्लस 4 वर्टिकल एजेस विच इज इक्वल टू 2 × L + B प्लस 2 × L + B प्लस 4 × H. देखो जब आप एजेस लोगे 4, तो एक ही आएगा 25 सेंटीमीटर, एक इधर आएगा 25 सेंटीमीटर, एक इधर आएगा 25 सेंटीमीटर, एक उस साइड से आएगा 25 सेंटीमीटर. तो 4 वर्टिकल एजेस आपको समझ में आ गई. उसके बाद लेंथ, पैरीमीटर ऑफ द बॉटम, पैरीमीटर जो नीचे में है और पैरीमीटर जो ऊपर में है. तो पैरीमीटर होता है 2 × L + B. तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे ये जो लेंथ और ब्रेथ है, इन दोनों को प्लस करके इसको 2 × कर दोगे. रेक्टेंगल के केस में ऐसा होता था, वही चीज़ यहाँ पे लग जाएगी और ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा. जब आप पुट कर दोगे वैल्यूज़ को यहाँ पे, वैल्यूज़ आपको ऊपर पहले से ही दी हुई हैं. वैल्यू आपको दी हुई है लेंथ 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर और हाइट 25 सेंटीमीटर. तो ये पूरा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है. अ स्वीट सेलर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस. एक साइज है उसका इतना और दूसरा साइज है इतना. एक स्वीट सेलर है, उसको अपने जैसे मिठाइयाँ बक्से में पैक करके देनी है पूरा, तो एक जो बक्सा है उसको इतना बड़ा चाहिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और दूसरा बक्सा इसको ऐसा चाहिए जो कि इस डायमेंशन का हो. दोनों के डायमेंशन को पढ़ते हैं. 25 cm × 20 cm × 5 cm, 15 cm × 12 cm × 5 cm. हो सकता है एक केजी का डब्बा हो, एक आधा केजी का डब्बा हो, ठीक है. ऐसे डब्बे मिलते हैं अगर आप शॉप की दुकान पे जाएंगे वहाँ पे स्वीट की, ठीक है. इफ 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर द ओवरलैप एंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 5 rupees फॉर 1000 cm², देन फाइंड द टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 200 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. तो यहाँ पे ये बोलता है कि 5% थोड़ा सा ज़्यादा हमें सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है. और उसके बाद कॉस्टिंग बताता है कि 5 रुपये पड़ते हैं हर एक कार्डबोर्ड पे, जो कि 1000 cm लंबा होगा अगर, तो 5 रुपये पड़ेंगे, ठीक है. तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 200 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड. तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसका जो सरफेस एरिया है वो निकालेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है पहले वाले की, पहले वाले के लिए आप टोटल सरफेस एरिया उसका निकाल लेंगे. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे 2 × L × B + B × H + L × H. फॉर्मूले को पुट किया, ये आंसर आ गया. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 200 बिगर बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा जो आपका यहाँ पे आया है 1450. ये सरफेस एरिया आया है, इसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे और 5% इसका लोगे. ये इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ 1450 × 200 cm². इसका 5% ले लोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आना चाहिए आपका 3045 cm². ये सब कैलकुलेशंस है, इसको आपको बैठ के कॉपी से अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है. सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने 5% वाली जो चीज थी उसको पूरा कर लिया. यहाँ पे इसने कंडीशन लगाई हुई है कि इफ 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, जब एक्स्ट्रा बोल दिया यानी टोटल सरफेस एरिया जो आया है उसका 5% एक्स्ट्रा प्लस करोगे, तब ये आंसर आ गया. फिर दूसरे बॉक्स के लिए ऐसा करेंगे सेम चीज, दूसरे बॉक्स के लिए डायमेंशन हमें गिवन है, उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया. अब दूसरे वाले बॉक्स के लिए किया तो थोड़ा सा छोटा है वो बॉक्स, तो 630 cm² आंसर आ गया. अब इसका 5% ले लेंगे क्योंकि वो कंडीशन दिया है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, जो भी टोटल सरफेस एरिया आया उसको 500, उसका 5% लेंगे और उसको 200 से इंटू करेंगे. फिर जो दोनों आंसर आए हैं उसको प्लस कर देंगे. दोनों के आंसर आए हैं, एक का आंसर आया है 304500 और दूसरे का आंसर आया है 132300. इन दोनों को सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा है और इसको ऐड कर दिया है, तो टोटल आंसर आया है यहाँ पे 436800.
इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक जो 1000 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका कॉस्टिंग पड़ा है 5 रुपए का, तो इतने का कितना पड़ेगा, तो 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 4368 00 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। और आपका जो पूरा खर्चा आएगा उस शॉप वाले का वो आएगा 2184, यानी 2184 रुपीज इज द कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन वॉन्ट्स टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हिज कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ ट्रैम्पोलीन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। इफ द हाइट ऑफ द शेल्टर इज 2.5 मीटर एंड इट्स बेस डायमेंशंस आर 4 मीटर बाय 3 मीटर देन हाउ मच ट्रैम्पोलीन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रैम्पोलीन आप खेलते होगे ट्रैम्पोलीन के लिए, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको पहले फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। एक आदमी है जिसको एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना है अपनी कार के लिए बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद द ट्रैम्पोलीन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। उसको एक शेल्टर बनाना है ट्रैम्पोलीन की हेल्प से जो कि बॉक्स लाइक होगा। तो इसमें जो एरिया निकालेंगे उसका, एरिया का इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एरिया ऑफ द फोर साइड्स प्लस एरिया ऑफ द टॉप। टॉप के लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे। एरिया ऑफ द फोर साइड्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अगर आपने ऊपर ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था तो एक बार फिर से पढ़वा देता हूँ, और पहले की भी वीडियोस में ये मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स का यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टू, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू टू और इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम का। ठीक है, नीचे आते हैं, उसमें फॉर्मूले में लगाते हैं। यहाँ पे आते हैं वापस, तो ये है आपका टोटल एरिया जो कि यहाँ पे बनेगा। इसको हम समझ लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्रैम्पोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फोर साइड्स जो कि होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस एरिया ऑफ द टॉप, ऊपर अलग से भी शेल्टर लगाना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, देखो यहाँ पे लेंथ जो है वो 4 लेना है, ब्रेथ जो है वो 3 लेना है और जो हाइट है वो 2.5 लेना है। ठीक है, देखो हाइट यहाँ पे बताया, इफ द हाइट ऑफ द शेल्टर इज 2.5 तो हाइट दे दिया, उसके बाद उसका बेस डायमेंशन यानी लेंथ बाय ब्रेथ देता है, तो लेंथ 4 है और बाय लिखा है यानी उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेथ दे रहा है एल बाय बी, तो एल इंटू बी होता है ये, तो लेंथ और ब्रेथ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आंसर में पुट किया, 47 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स ईच एज 10 सेंटीमीटर अनदर क्यूबिकल बॉक्स क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। वो और फिर हमें इन दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं कि किस बॉक्स का ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स के लिए निकालेंगे। क्यूबिकल बॉक्स के लिए जब निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर कर देंगे तो 4 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब क्यूबॉइडल के लिए निकालेंगे, क्यूबॉइडल के लिए देखो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ और ब्रेथ जो इसका दिया है वो 12.5 सेंटीमीटर और इसका दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू लेंथ यानी 12.5 प्लस 10 इंटू 8 तो विच इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया हुआ है। हेंस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज लार्जर देन दैट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाला देखते हैं, किस बॉक्स का ज्यादा टोटल सरफेस एरिया है और कितना ज्यादा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स यानी क्यूब की जब बात हो रहा है तो क्यूब का होता है 6L स्क्वायर यानी 6 साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 इंटू 10 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइडल बॉक्स का वो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। डिफरेंस इन द टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा, क्योंकि 610 में से 600 माइनस करोगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं,